हेलो फ्रेंड्स, asushumkitchen.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही क्विक और इजी टेस्टी डिजर्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो है शीर खुरमा। शीर खुरमा सेवैयों को भी बोलते हैं, लेकिन इसमें कुछ खास ऐसा डाला जाता है जिसकी वजह से इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। शीर माने हमारे सेवैयां और खुरमा माने खजूर। खजूर बहुत ही ज्यादा हेल्दी नट्स होते हैं, तो इसको बनाना और इसको खाना बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। तो आप इस शीर खुरमा की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये शीर खुरमा की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर लीजिएगा। शीर खुरमा बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक नॉनस्टिक पैन को मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख रही हूँ, और जैसे ये हल्का गर्म हो जाएगा मैं इसमें डालूंगी आधा कप जितना पानी। फिर इसमें फुल फैट मिल्क मैं ले रही हूँ 750 ml, यानी 750 ml। तो आप इसमें जो दूध ले वो टोल्ड वाला ना लेके, स्किम्ड मिल्क वाला ना ले, इसमें फुल फैट वाला ही मिल्क ले। इससे इसका स्वाद जो है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। अब दूध को हम अच्छे से चलाते हुए एक बॉइल ले आएंगे और लगातार इसे चलाते रहेंगे। अगर आप ओकेशनली भी इसे हैंडल करना चाहे तो कर सकते हैं, बस इसे लगातार आपको चलाते रहना है अच्छे से, ताकि जो तले पे है ना दूध चिपके ना। आप देख सकते हैं कि दूध में बहुत ही अच्छा सा बॉईल आ चुका है। तो गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसको हम गड़ने देंगे, और इसे हम 750 से 700 ml तक ही रिड्यूस करेंगे। इसे पूरी कम्प्लीटली रिड्यूस नहीं करना है। तब तक हम और तैयारी करते हैं। एक और कढ़ाई को यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया है, और इसमें डाल देंगे हम 2 बड़े चम्मच देसी घी। घी में हर एक डिजर्ट का मजा जो है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है, स्वादिष्ट भी लगती है रेसिपी। तो देसी घी को आप हल्का सा, जैसे ही गर्म हो जाए इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, काजू, पिस्ता। ये यहाँ पे मैंने खजूर ले लिए हैं, ये छुआरे थे जिनको मैंने 20 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो के रखे, ऐसे स्लाइस कट में काट लिया है, और ले लिए है यहाँ पे बादाम। साथ ही 1 चम्मच ले लिया है मैंने चिरौंजी। चिरौंजी ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन चिरौंजी से जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा आता है। अब इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए हल्का सा ही हम भूनेंगे, ज्यादा ओवर इसे हमें नहीं भूनना है, क्योंकि इसमें बस हल्की सी खुशबू आने लग जाए इतना ही हमें इसको मिलाना है। तो अब इसको हम निकाल के अलग एक प्लेट में रख देंगे। अभी मैंने इसमें किशमिश नहीं डाली है, किशमिश डालती तो हमारे जो ये हार्ड वाले जो ये नट्स हैं ड्राई फ्रूट्स हैं ये ज्यादा बर्न हो जाते। तो आप देखिए इनको अलग रखने के बाद मैं 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पे गोल्डन रेजिन, यानी हरी वाली जो किशमिश आती है वो डालूंगी। इसे क्या है, बस 1 मिनट के लिए ही आपको चलाना है, तो ये अच्छे से पफ हो जाती है, बढ़िया से फूल जाती है, और इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर जो है ना इनहेंस हो जाता है। इसको भी हम अलग निकाल के ड्राई फ्रूट के साथ ही रखेंगे, ये सब इकट्ठा रखना है हमने। अभी घी बहुत ज्यादा है इसमें, 1 बड़ा चम्मच होगा, तो इसमें मैं तो इसी में ही मैं हल्का सा सेक लेती हूँ ये सेवइयों को। सेवइयां इस समय मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगी, या किसी भी ग्रोसरी शॉप पे आपको ये रोस्टेड वर्मिसेली लंबी वाली जो आती है बिल्कुल नायलॉन वाली ये मिल जाएगी। इसको आपको बस क्या करना है, हल्के से बस चलाते रहना है, क्योंकि जो गर्म घी है वो आराम से इसके ऊपर कोट होके इसको हल्का सा रोस्ट कर देगा। बस आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 1 से 2 मिनट मैक्सिमम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपको इसे भून लेना है। ये हो गई है, अब इसे हम अलग निकाल के साइड रख लेंगे, क्योंकि अब हम आगे की प्रोसेस को स्टार्ट रखेंगे और सेवइयों को हम पहले ही भून के अलग रखेंगे। अब चलिए दूध को देख लेते हैं। दूध देखिए कहाँ था और कहाँ पे ये पहुंच गया, यानी ज्यादा रिड्यूस नहीं करना है, हल्का सा रिड्यूस करना है, और मलाई जो इसके कोने कोने में लग गई है ना इसको आप स्क्रैप करते हुए दूध में ही मिक्स कर दे, इससे इसका जो स्वाद है ना वो और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसको 2 मिनट चला लेंगे। 2 मिनट चलाने के बाद इसमें मैं डालूंगी ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने अच्छे से भून के रख लिए थे, तो मैं थोड़े से गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ और बाकी इसमें मैं डाल दे रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स अगर हम इस स्टेज पर डालते हैं ना तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, इसे बस 1 से 2 मिनट और चला ले। अब इसमें हम मीठे के तौर पे डाल रहे हैं कंडेंस मिल्क 1/2 कप, यानी 100 ml। अगर आपको चीनी का यूज करना है तो आप जब मिल्क में बॉईल आया था ना तभी आपको इसमें अपनी स्वाद अनुसार या इच्छा अनुसार चीनी को आपको डाल देना है और अच्छे से बॉईल लाके उसे रिड्यूस कर लेना है। तो ये देखिए कंडेंस मिल्क डालने के बाद आपको दूध ना है वो कंटिन्यू चलाना होता है, नहीं तो कंडेंस मिल्क नीचे जाके तले पे बैठ जाएगा। तो ये अच्छे से मैंने कंडेंस मिल्क को मिला लिया है और आप कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया हो गया है। 2 मिनट के बाद हमारी जो ये रोस्ट करी हुई सेवइयां थी ये इसमें डाल देंगे। बस अब आपको 3 मिनट के लिए ही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है इन शीर खुरमा में।
बढ़िया से इसे चलाएंगे और इसको डालने के बाद ही ये जो सेवैया है वो अच्छे से दूध को एब्जॉर्ब करते हुए बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। इसमें हम इलायची का पाउडर भी डाल देंगे 1 टीस्पून, जिससे इसका स्वाद जो है ना वो और भी ज्यादा उभर जाएगा। अगर आपको फूड कलर यानी कलरफुल ये शीर खुरमा खानी है तो आप पिंच ऑफ कलरफुल फूड कलर डाल सकते हैं या फिर केसर का दूध भी इसमें डाल सकते हैं। तो हमारी शीर खुरमा बनके रेडी हो गई है। आप इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, परफेक्ट है। इसे जब ठंडा ठंडा खाया जाता है ना तो ये बहुत ही ज्यादा लाजवाब और स्वादिष्ट लगती है। आई होप आपको ये शीर खुरमा बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही इजी और झटपट डिजर्ट है। इसे आप रमजान में ही नहीं किसी भी त्योहार में बना के खा सकते हैं, या आपका कभी भी मन करे इस शीर खुरमा को आप बनाइए। अगर आपको शीर खुरमा नहीं बनाना है तो सिंपल सी सेवैया भी ऐसे ही बनती है, इस वाली हम ये लंबी वाली रोस्टेड सेवई के साथ। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप इसे एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदा दिली बनाए रखिए और जुड़े रहिए आसुसुम किचन से। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।